तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एनिमे कम्युनिटी के बीच उठते एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में। कैन बॉलीवुड मेक एनिमे इन इंडिया? अगर हम देखें तो जब से इंडिया में यूट्यूब एंड इंटरनेट का यूज तेजी से बढ़ा है, तब से ही इंडियन एनिमे कम्युनिटी के बहुत से ओटाकुस ने कम्युनिटी के अंदर बहुत बार इस सवाल को उठाया है कि क्या बॉलीवुड एनिमे बना सकता है या नहीं, और अगर बना सकता है तो कैसे बना सकता है। हम लोग बहुत टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि ओवर द टाइम इंडियन एनिमे कम्युनिटी एक डिसेंट अमाउंट में ग्रो हुई है, और इस ग्रोथ के बीच एनिमे फैंस के एनिमे इन बॉलीवुड को लेकर ओपिनियंस भी बहुत ग्रो हुए हैं, जहाँ कुछ लोगों के ओपिनियंस इस बात पर मैच करते हैं कि बॉलीवुड कभी भी एनिमे या किसी सुपर हीरो मूवी जैसा कंटेंट नहीं बना सकता। वहीं कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं और उनके ओपिनियंस इस बात पर मैच करते हैं कि एनिमे एंड सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट को बॉलीवुड प्रोड्यूस तो कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। अब इन बातों को बोलकर मैं इंडियन एनिमे फैंस के बीच किसी भी तरह का डिविजन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि ये दोनों ही तरह के ओपिनियंस को रखने एंड सपोर्ट करने वाले लोग इंडियन एनिमे कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि एक कम्युनिटी असल में बहुत से लोगों के सेम इंटरेस्ट एंड ओपिनियन से क्रिएट होती है, इसीलिए आज हम लोग भी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इसके ऊपर है कि बॉलीवुड एनिमे को इंडिया में बना सकता है या नहीं। अगर बॉलीवुड एनिमे बना सकता है तो किस तरह के चैलेंजेस को उसे फेस करना पड़ सकता है, या फिर अगर बॉलीवुड में एनिमे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता तो उसके पीछे क्या रीजन है। इस वीडियो में हम लोग जिन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं ये। इन पॉइंट्स के अंदर मैं हर उस चीज को कवर करने एंड एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि एनिमे इन बॉलीवुड जैसे टॉपिक्स में उठती है। एंड अब इस वीडियो के मेन पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हिडन कैलिबर नाम के इस YouTube चैनल पर एनिमे स्टोरी क्रिएशन, फ्यूचर एंड लेटेस्ट एनिमे टॉपिक्स एंड एनिमेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसीलिए अगर आप इसी तरह के वीडियो टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हिडन कैलिबर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब यहां तक इस वीडियो में आगे बढ़ने के बाद शुरू करते हैं अपने सभी मेन कंटेंट पॉइंट्स को। अब हो सकता है कि इस पॉइंट को सुनकर आप में से कुछ लोगों को लगे कि एनिमे और वो भी न्यू कंटेंट, ये क्या मजाक चल रहा है। मैं जानता हूं कि एनिमे बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, हमारे पास बिल्कुल ही ओल्ड एनिमे सीरीज एंड कंटेंट से लेकर बिल्कुल ही नए एनिमे कंटेंट्स तक सब कुछ अवेलेबल है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो कि अपने शुरुआती दिनों से लेकर अभी भी अपने बेसिक कंटेंट आइडियाज एंड टॉपिक से कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हुई है, ऑल्दो आई एग्री कि ओवर द टाइम बहुत से एलिमेंट्स में बॉलीवुड का वर्किंग प्रोसेस डाउनग्रेड ही होता जा रहा है। जब हम ऐसी इंडस्ट्री की बात करते हैं जहां कंटेंट के नाम पर सिर्फ कुछ ही तरह के बेसिक एंड लिमिटेड टॉपिक्स एंड कैटेगरीज अवेलेबल हो, वहां पर एनिमे जैसी चीजों को एक न्यू कंटेंट की तरह से ही देखा जाएगा। लेकिन अगर हम एक बारी को मान भी लें कि बॉलीवुड ने ये डिसाइड कर भी लिया कि हम एनिमे या उसी के जैसे दूसरे कंटेंट्स को ट्राई करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड में ऐसे लोग होंगे जो कि एक रियली अमेजिंग एनिमे लाइक कंटेंट को क्रिएट कर पाए? हो सकता है कि इस बात पर आपके पास बहुत से अलग अलग तरह के जवाब हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस बारे में थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो। इसीलिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो कि एनिमे लाइक कंटेंट बना पाए, अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। नॉर्मली जब हम किसी एनिमे को देखते हैं तो हमें वो एक ऑसम स्टोरी लाइन एंड अमेजिंग विजुअल्स वाला एक कंटेंट नजर आता है, लेकिन जब हम थोड़ा उसके पीछे की चीजों को समझना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि एनिमे प्रोडक्शन कितना कॉम्प्लेक्स एंड हैवीली एक्सपेंसिव चीज है। अगर हम सिंपली किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें जो कि एनिमे बनाना चाहते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक फुल स्केल एनिमे को बना पाए। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की जो कि हर साल दुनिया की सबसे ज्यादा फुल स्केल कमर्शियल मूवीज बनाता है, तो हमें थोड़ा समझ में आता है कि बॉलीवुड के पास रिसोर्सेज को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है। अगर मैं बस इतना बोलूं कि बॉलीवुड में हर महीने मिलियंस ऑफ रुपीस सर्कुलेशन में चलते रहते हैं, तो ये बात भी बॉलीवुड के साइज के आगे छोटी लगेगी। अब इतना सब सुनने के बाद जो एक बात दिमाग में आती है वो ये है कि जब बॉलीवुड के पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो एनिमे या फिर उसी के जैसे दूसरे कंटेंट्स को क्यों नहीं बनाता? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है किसी भी तरह के न्यू आइडियाज को सपोर्ट नहीं करना। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसी भी एनिमे को बनाने से पहले उसकी स्टोरी एंड स्क्रिप्ट लिखी जाती है, देन उसके बाद कुछ एनिमेशन स्टूडियोस उस स्क्रिप्ट एंड स्टोरी के हिसाब से उसे एक एनिमेटेड मूवी या एपिसोड में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे ही इंडिया में भी ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जो कि किसी भी ऑसम एनिमे जैसी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह की स्टोरीज को रिजेक्ट कर देने की वजह से ऐसे राइटर्स जिनमें सही में कुछ अमेजिंग क्रिएट करने का कैलिबर होता भी है, उन्हें भी एंड में उसी तरह की स्टोरीज एंड स्क्रिप्ट्स को लिखना पड़ता है जिनकी बॉलीवुड में डिमांड है। और रही बात एनिमेशन स्टूडियोज की, तो इस बारे में तो मैं आपको पहले की बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि इंडिया एक ग्लोबल हब है एनिमेटर्स एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट को आउटसोर्स करने का। इंडिया में ऐसे बहुत से स्टूडियोस हैं जो कि अगर चाहें तो एक हाई क्वालिटी एंड फुल स्केल एनिमे को बना सकते हैं, लेकिन अगेन वहां भी उनके सामने जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है रिसोर्सेज की, एंड रिसोर्सेज से मेरा मतलब है मनी एंड प्रोड्यूसर्स। और इतना सब होने के बाद भी क्यों ऐसे स्टूडियोस एंड राइटर्स को प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते, इसे समझने के लिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
अगर हम सिंपली एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचें तो जो चीज किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है प्रॉफिट। सिंपल एज दैट। कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी मूवी या शो को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें अपने पैसे को लगाता है, तो वो प्रोड्यूसर सिर्फ एक चीज को एक्सपेक्ट करता है और वो है हाई प्रॉफिट रिटर्न्स। अगर हम बॉलीवुड की किसी भी टिपिकल लव स्टोरी या फैमिली ड्रामा मूवी की बात करें तो वो इजिली 100 करोड़ क्लब में तो आ ही जाती है, और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसर्स को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मूवी की रेटिंग्स या ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या है। उन्हें जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि मूवी ने कितने रुपयों का बिजनेस किया एंड उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना आता है। अब इंडिया में इस तरह की मूवीज की एक बहुत ही ह्यूज डिमांड होने की वजह से ये मूवीज आसानी से 100 करोड़ एंड 300 करोड़ तक एंड उससे भी ऊपर तक का बिजनेस कर लेती है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमे की, जिसे अभी इंडिया का एक बहुत ही छोटा ऑडियंस बेस जानता है, एंड इस बात से मैं एनिमे कम्युनिटी को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी हमारी ये एनिमे कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इन मूवीज को देखने वाले लोगों की क्वांटिटी है। इसीलिए जब एनिमे की बात आती है तो कोई भी प्रोड्यूसर इस तरह के कंटेंट पे पैसा नहीं लगाएगा जिसे देखने के लिए इतने लोग ही ना हो जिनसे प्रॉफिट रिटर्न लिया जा सके। एंड ये बात आप भी जानते होंगे कि चाहे कोई भी एनिमे मूवी या सीरीज इंडिया में लॉन्च ही क्यों ना हो जाए, उसके लिए 100 करोड़ का बिजनेस करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। हाँ, मैं ये बात भी मानता हूँ कि जैसे जैसे हमारी ये इंडियन एनिमे कम्युनिटी ग्रो होती जाएगी, वैसे वैसे ही प्रोड्यूसर्स एंड दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस भी एनिमे में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट जरूर करेंगे। लेकिन हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि चाहे कितना ही चेंज क्यों ना आ जाए, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि शायद वक्त के साथ भी चेंज नहीं होने वाली, और उनमें से एक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया एंड उन पे बात की। अगर हम लोग एक बारी को ये बात मान भी लेते हैं कि बॉलीवुड ने सच में एक चेंज करने की कोशिश की एंड फाइनली एक एनिमे सीरीज पे काम भी स्टार्ट कर दिया, तो अब जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि इस बात के कितने चांसेस है कि जो बॉलीवुड का मनी एंड मोर मनी मेकिंग माइंडसेट है वो उसके हिसाब से एनिमे में उसी तरह की चीजों को ऐड नहीं करेगा जो कि वो अपनी मूवीज में करता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा होने के भी बहुत से चांसेस हैं कि अगर बॉलीवुड ने एक एनिमे सीरीज या मूवी बनानी स्टार्ट भी कर दी एंड फॉर्चुनेटली बना भी दी, तो बॉलीवुड उसमें अपने सॉन्ग्स एंड अननेसेसरी लव स्टोरीज को भी ऐड करने की कोशिश जरूर करेगा, जिसकी वजह से एनिमे जैसे डाइवर्स कंटेंट्स जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं, वो बॉलीवुड में आकर सिर्फ एक लव स्टोरी एलिमेंट ही बनकर ना रह जाए। तो अब यहां तक तो मैंने एनिमे प्रोडक्शन इन बॉलीवुड को लेकर अपने ओपिनियंस को आप सबके सामने रखा। इस वीडियो को देखने के बाद और इस बारे में मेरे ओपिनियंस को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ थॉट्स एंड ओपिनियंस तो जरूर उठ रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडियन एनिमे ऑडियंस की बढ़ती ग्रोथ को देखकर बॉलीवुड भी कभी ना कभी एनिमे मेकिंग बिजनेस में आने की कोशिश जरूर करेगा? एंड इन द एंड मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आपके अपने ओपिनियंस एंड आपका अपना पर्सनल स्टैंड क्या है, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से इस वीडियो को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही, जिसके लिए आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस। एंड इसके साथ ही मुझे भी कई सारे ओपिनियंस को पढ़ने का मौका मिलेगा। और अब अगर आपको हिडन कैलिबर और इस वीडियो का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।